इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एसिडिफाइड KMnO4, बेसिक KMnO4 एंड न्यूट्रल KMnO4 के प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का और इसके बाद इक्वेशन में देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज बाय KMnO42। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट का आंसर मैं दे रहा हूं, थायोसल्फेट H2O3 टू माइनस है और यहां पे जब नेसेंट ऑक्सीजन यूज होता है, KMnO4 में नेसेंट ऑक्सीजन मिलना है, सिर्फ फर्क क्या है, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल में नंबर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन अलग अलग होंगे, न्यूट्रल हो चाहे वो स्लाइटली बेसिक हो, नंबर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन 3 होते हैं और एसिडिक में 5। तो यहां पे न्यूट्रल या फेरी अल्कलाइन है तो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में 3 मिलेगा, लेकिन यहां जो प्रोडक्ट है वो बनता है SO4 माइनस और इसके साथ सल्फर जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो यहां पे हमारा आंसर हो गया 2। इसके बाद इन एसिडिक मीडियम थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू, यहां पे सेकंड में देखिए थायोसल्फेट इज H2O3 टू माइनस और यहां पे जो है बन जाता है H2O6 टू माइनस डाइथायोनिक जो आयन ये बनता है, तो हमारा ये आंसर हो गया सी। फिर ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा कि एसिडिक मीडियम में क्या है, मैंने पिछले वीडियो में सारा चीज दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4। देखिए, एसिडिफाइड KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यदि जो कंपाउंड है उसमें ऑलरेडी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है जो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। अभी देखिए फेरस सल्फेट है तो एसिडिफाइड KMnO4 से ये फेरिक में कन्वर्ट हो सकता है, ये डीकलराइज करेगा। H2S एंड SO2 दोनों डीकलराइज करते हैं। FeCl3 में इसका हाईएस्ट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और ये +4 कन्वर्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये कंपाउंड KMnO4 को डीकलराइज नहीं करेगा। हमारा आंसर हो गया बी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ईच केस When KMnO4, अब यहां पे देखिए आप KMnO4, इसका मतलब हमारे पास ये फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूं, यहां पे MnO4 माइनस है, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट और ये चार कन्वर्सन दिए हुए हैं, मैं चार कन्वर्सन यहां ले लेता हूं। पहला है MnO2, इसके बाद Mn+2, इसके बाद MnOH taken thrice and MnO4 2 minus। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर देखना है कि कितना चेंज होगा। देखिए, वैसे तो कैलकुलेशन हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल करते हैं, लेकिन KMnO4 के केस में विदाउट बैलेंसिंग भी जो दिखता है वही हमारा आंसर होता है। अब ये बताइए +7 से ये कितना है, यहां पे ये हो गया +4। +4 का मतलब हो गया 7 से 4 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया। और जब MnO4 माइनस से ये जाएगा Mn+2, तो Mn+2 ऑलरेडी 2 है, तो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। और नेक्स्ट जो है MnOH taken thrice, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गया, तो 7 से 3 हुआ, इस मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। इसके बाद +7 से देखिए MnO4 2 माइनस, यहां पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो यहां पे कितना माइनस हो गया, मतलब कितना कम हो गया, 7 से 6 हुआ, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। तो आपके आंसर में 3541 होना चाहिए, तो 3541 ये हमारा आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 5, KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो यहां पे क्वेश्चन है कि टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम H2SO4 इज यूज इंस्टेड ऑफ HCl, हम HCl क्यों यूज नहीं करते हैं। कारण यह है, मैं यहां पे क्वेश्चन बताता हूं आपको, जब हम H2SO4 यूज करते हैं तो वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन यदि हम KMnO4 और HCl का कॉम्बिनेशन लें तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा KCl, MnCl2, H2O एंड +Cl2, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए H2O है, तो यदि हम इसको 2 से, लेकिन ऑक्सीजन तो 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4H2O करना पड़ेगा, हाइड्रोजन हो गया 8, तो हमें ये 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इसके बाद आप देखिए के बैलेंस है, एमएन बैलेंस है, एट सीएल, तो एक दो तीन यहां पे हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2। और 5/2 प्रैक्टिस नहीं, एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि फ्रैक्शनल होना चाहिए, तो ये 2 हो गया, ये हो गया 16, ये 2 है, 2 है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये जो है क्लोरीन जो प्रोड्यूस हुआ इसकी वजह से हम HCl को यूज नहीं करेंगे एसिडिफाई करने के लिए, तो HCl इज ऑक्सीडाइज बाय KMnO4 टू Cl2, क्यों, ये देखिए -1 था, ये हो गया 0, इसलिए सिर्फ डायलूट H2SO4 यूज होगा। HNO3 भी हम यूज नहीं कर सकते, कई जगह आता है कि HNO3 क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ही है। तो यहां पे व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH एंड KNO3 ए कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म। तो अब ये फिफ्थ क्वेश्चन था, अभी सिक्स्थ क्वेश्चन के क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमने लिया है MnO2, इसमें ऐड कर रहे हैं KOH। अभी देखिए जो KNO3 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KNO3 से हमें मिलेगा O, जैसे HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां से मिलता है O, तो यहां पे O आ जाएगा और ये जो O है फ्रॉम KNO3। अब यहां पे देखिए आप, इसमें दिया है कंपाउंड इज फॉर्म और कलर और राइट कंपाउंड दोनों को मैच करना है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है K2MnO4, ये H2 एंड एक ऑक्सीजन, ये हो जाएगा। और आपको मालूम है कि KMnO4 पर्पल है, लेकिन जो यहां प्रोडक्ट बना है वो K2MnO4 है और उसका कलर होता है ग्रीन, तो इसलिए ए हमारा आंसर हो गया, ये है ग्रीन कलर का। सेवंथ क्वेश्चन है, KMnO4 इज एन ऑक्सोसाइड। ऑक्सोसाइड का मतलब हो गया यदि हम उसको वाटर में डिजोल्व करें या बेस के साथ रिएक्ट कर दें तो एक हमें एसिड का जो है साइड मिलना चाहिए। जैसे HMnO4 जो है वो पर मैंगनिक एसिड है, यदि HMnO4 का कोई साइड हम ले तो वो ऑक्सोसाइड्स ऑफ Mn हो जाएगा, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट। तो यहां पे देखिए Mn2O7 में +7 है और KMnO4 में भी +7 है, तो यदि 7th क्वेश्चन के लिए हम ले रहे हैं Mn2O7, ये हमने लिया प्लस KOH। अब यहां पे देखिए KMnO4 इज एन ऑक्सोसाइड, तो अब इससे क्या बनेगा, तो ये KMnO4 यहां पर हम लिख लेंगे KMnO4, तो यहां पे 2K2MnO4 हो जाएगा, तो हमारे पास 2K भी बैलेंस है, 2Mn भी बैलेंस है, ऑक्सीजन जो है 8 हो चुका है, तो प्लस H2O हो जाएगा इसके साथ। तो आपने देखा कि KMnO4 जो है ये Mn2O7 का ऑक्सोसाइड है, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन हीटिंग KMnO4। अब KMnO4 को हीट करने से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बना ये हमें ढूंढना है यहां पे। तो सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन क्या है KMnO4 को हीट करने से, तो आंसर जो है 8th का होगा यहां पे। ये देखिए हमने लिया KMnO4, इसको हीट करेंगे, यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है K2MnO4। याद कीजिए KMnO4 का कलर पर्पल है और ये हीट करने से चेंज हो गया ग्रीन, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। अब यहां पे मैं लिख देता हूं, यह है पर्पल, यह है ग्रीन, ठीक है, MnO2 डार्क ब्राउन या ब्लैक जैसा दिखता है। अब यहां पे देखिए एक और पॉइंट, पॉइंट 7 है, ये +7 है, ये +6 है और ये +4 है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज हो रहा है तो ग्रीन कलर का ये बना MnO2 बना और O2 जो है गैस लिबरेट हो गया। हमारे क्वेश्चन में है तो कई बार जो है ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ सकता है कि जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है। यहां पे पूछा गया कौन सा नहीं बना, तो ये देखिए MnO नहीं बना, K2MnO4 बना, O2 भी बना, MnO2 भी, तो ये MnO नहीं बना है, सो दिस इज नॉट फॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, MnO4 माइनस रिएक्ट्स विद Br- इन अल्कलाइन pH टू गिव। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा अल्कलाइन मीडियम के अंदर क्या रिएक्शन होता है, तो यहां पे हम लेंगे KMnO4 प्लस H2O। मालूम है अल्कलाइन है, चाहे न्यूट्रल है वहां वाटर ही इन्वॉल्व होता है, और यहां पे हमें मिलेगा KOH प्लस MnO2
प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए दो हाइड्रोजन है तो हमें टू करना पड़ेगा, तो पोटेशियम और एमएन को बैलेंस कर लेंगे, इससे 9 ऑक्सीजन है, 2, 4, 6 ये हो गया 3O। तो हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन 3, एसिडिक में 5, बेसिक और न्यूट्रल में 3O। तो यहां पे रिएक्ट किसका हो रहा है, Br- माइनस का हो रहा है, तो ये देखिए Br- माइनस प्लस 3O आ जाएगा और यहां से हो जाएगा BrO3 माइनस, ये ब्रोमेट आयन आ गया। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये है 2KmnO4 प्लस H2O प्लस Br माइनस 3O, तो हमारा कैंसिल हो गया और जो प्रोडक्ट बनेगा 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब यहां पे देखिए एक निगेटिव बैलेंस है, 2K2MnB बैलेंस है, ऑक्सीजन 8, 9, तो 2, 4, 6, 3, 9 ये बैलेंस है। तो यहां पे BrO3 माइनस बना और साथ में MnO2, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वन, ठीक है, ब्रोमेट आयन, बिल्कुल सेम वैसे रिएक्शन जैसे KI के केस में था। इसके बाद नेक्स्ट जो है एसिडिफाइड KmnO4 सॉल्यूशन। अब देखिए एसिडिफाइड KmnO4 है और उसके अंदर Na2O2 का रिएक्शन है, तो ये मैं ऑप्शन रहने देता हूं, इसको मिटाकर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। नया 10th क्वेश्चन में आप देखिए यहां पे जो आंसर हमारा 10th का है वो मैं दे रहा हूं, एसिडिफाइड KmnO4 है, KmnO4+ और इसके साथ रिएक्शन हो रहा है सोडियम परऑक्साइड का, और यहां पे बताना है कि इन चारों में से प्रोडक्ट 10th क्वेश्चन के जो ऑप्शन है कौन सा जो है प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले हम एसिडिफाइड लेंगे, तो उसका बैलेंस इक्वेशन मैं लिख देता हूं, 2KmnO4 3H2SO4 gives K2SO4 2MnSO4 3H2O और यहां पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन है। अब यहां पे Na2O2 रिएक्ट करेगा, तो यहां पे एक्वस सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने लिया है, तो Na2O2 जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहां से बनेगा NaOH प्लस H2O2। अब यहां पे यदि 2 सोडियम है तो हमें 2 करना पड़ेगा, तो देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, अब ये जो है बैलेंस है, ये जो H2O2 है ये डिकम्पोज होगा, वो कैसे, ये नेसेंट ऑक्सीजन को लेगा H2O2 और यहां से बनेगा H2O प्लस O2। तो इस तरह से जो है, अब यदि मान लीजिए हम बैलेंस करना चाहें तो सबसे पहले ये आपको समझ में आया, ये KmnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और ये जो है O ले रहा है और यहां से H2O प्लस O2, ये सेम रिएक्शन हो गया जैसे KmnO4 और H2O2 का। अब यहां H2O2 न लेकर हमने Na2O2 लिया जो कि H2O2 प्रोड्यूस किया है। जब हमें बैलेंस ठीक वैसे लिखना है तो 5O चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 5O, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5H2O2 है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो ये 5 10 हो गया, ये 5 हो गया, तो अब क्या होगा, ये 5H2O2 5H2O2 कैंसिल, ये 5O ये 5O कैंसिल। तो अब देखते हैं जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो है 2KmnO4 प्लस 3H2SO4 एसिडिफाइड है इसलिए, प्लस सोडियम परऑक्साइड कितना है 5 Na2O2। अब ये देखिए 10H2O ये 5H2O, 5 एंड 3 8 है, तो ओवरऑल यहां पे हम 2H2O लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पे 1, 2, 3, 4 तरह के प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ये हो गया। प्रोडक्ट में हम क्या लिखेंगे, K2SO4 है, 2MnSO4 है, वाटर हम एडजस्ट कर चुके हैं, प्लस 10NaOH प्लस 5O2। अब एक बार देख लीजिए इक्वेशन में, 2 के बैलेंस है, 2Mn भी बैलेंस है, हाइड्रोजन जो है 6 एंड 4 10 है, 10 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं 8 12 20 30 32, यहां देखते हैं 8 4 12 अभी हो गया 22 और ये हो गया 32, ये बिल्कुल बैलेंस है। तो हमारे इस पे क्या H2O2 बना, नहीं, H2O तो सारे जो है कंपोज डिकम्पोज हो गए और वो जो है फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिला वो कौन सा मिला, O2। तो ना ही H2 ना ही H2NO2 ना ही H2O2, क्यों, H2O2 बना और वो कंज्यूम हो चुका है। ये जो फाइनल इक्वेशन है
उसके अंदर बता रहा है कि ऑक्सीजन गैस लिमिटेड है, तो 10th का आंसर हो गया आपका डी, O2। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, NaOH4- परमैंगनेट आयन और ये ऑक्जेलिक एसिड है, तो ये एसिडिफाइड KNO4 ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन है, तो पहले उस रिएक्शन को लिख लेते हैं, फिर कोफिशिएंट डिसाइड करते हैं। और वैसे आप एग्जामिनेशन में आप हीट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए XYZ, अब ये वैल्यू रखिए इस साइड में, उस साइड में, यदि बैलेंस हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सेकंड पे जाइए। इस तरह से हीट एंड ट्रायल भी आप कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट इक्वेशन क्या है वो मैं आपको दे रहा हूं। तो यहां पे एसिडिफाइड K1O4 के लिए तो आंसर जो है ये 11 का है ये, तो सबसे पहले हम लेंगे K1O4 3H2SO4 और यहां से आपको हो जाएगा K2SO4 2MnSO4 3H2O एंड प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसके साथ ऑक्जेलिक एसिड का जो है हम रिएक्शन लिखते हैं, तो ये देखिए H2C2O4 और यहां से ये नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H2O प्लस 2 टाइम्स ऑफ CO2। अब नेसेंट ऑक्सीजन 5O प्रोड्यूस हुआ फर्स्ट में, तो सेकंड में भी इतना ही होना चाहिए, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 5O कैंसिल, तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, 2KNO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5 ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 और प्रोडक्ट में देखिए वाटर हमको 3 प्लस 5 8 जोड़ना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 एंड 5 8H2O एंड प्लस 10 CO2। ठीक है, अब यहां पे आपको देखना है कि जो यहां पे आयन जो है, जो स्पेक्ट्रेट आयन है वो हम लिखेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2MnO4-, यहां से हम MnO4- लेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन आयन कितना है, 10 और 6 16 है, ये हो गया 16H+। अच्छा सिक्वेंस ऑर्डर C2O4 का है, तो पहले हम ये लिख देते हैं, यहां पे 5 C2O42-, ये हो गया 5 टाइम्स, और ये 10 और 6 16H+। यहां पे जो है Mn+2 यहां से आएगा, तो 2Mn+2 प्लस उसी सिक्वेंसर ऑर्डर में लिखेंगे 10 CO2 प्लस वाटर है तो 8H2O। अब बताइए x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 2, तो हमारा x वैल्यू है 2, तो ये दो ऑप्शन में कॉम्पिटिशन है। ठीक है, और इसका C2O4 ये हो गया Y5, और ये भी कॉम्पिटिशन में है, लेकिन अब जब आप जा रहे हैं H+ में तो वो हो जा रहा है Z कितना 16, इसका मतलब हमारा आंसर हो गया D। ठीक है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन। अब यदि हमें हीट एंड ट्रायल करना होता तो हम क्या करते, 5 2 8 सब्स्टिट्यूट करते, बैलेंस हुआ तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाते, यहां पे डी तक हमें जाना पड़ता, तो हीट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते हैं, वो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि चार्ज और एटम्स बैलेंस है या नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में वन मोर ऑफ MnO42-, इसका मतलब हमें K2MnO4 लेना है, तो K2MnO4 लेकर उसका एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, K2MnO4 प्लस H2SO4, यहां से हमें मिलेगा K2SO4, KMnO4 भी मिलता है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है, तो Mn जो है और MnO2 एक आ जाएगा, तो पोटेशियम जो है 3 से बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, तो 2 यहां पे है, 2 सल्फेट ऐसा कर देंगे, और यहां पे 6 पोटेशियम 4 हो गया 2। अब देखिए Mn 2 वहां पे, 3 वहां पे हो गया है, तो अब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या बैलेंस है, 3 2 6 पोटेशियम 4 8 2 6 बैलेंस है, Mn 3 है, 2 N1 3 बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 तो यहां पे आ जाएगा 2H2O। अब ऑक्सीजन टोटल देख लेते, सल्फर तो 2 मुझे बैलेंस नजर आ रहा है, ऑक्सीजन कितना हो गया 8, अब 12 हो गया और 8 20, यहां पे 8 16 to 18 to 20 बिल्कुल बैलेंस है। तो यहां पे जो क्वेश्चन है वन मोल ऑफ MnO42- से रिलेटेड है,
ये तो थ्री मोल का बैलेंस इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय थ्री, डिवाइड बाय थ्री। अब थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वन मोल के टू एम एन ओ फोर प्लस टू बाय थ्री एच टू एस ओ फोर। अब वैसे ही जो है हम प्रोडक्ट साइड भी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा टू बाय थ्री के टू एस ओ फोर प्लस टू बाय थ्री के एम एन ओ फोर प्लस वन बाय थ्री एम एन ओ टू प्लस टू बाय थ्री वाटर, ये आ जाएगा। तो अब हमें देखना है कि यहां पे जो मोल्स हैं वो कौन कौन से हैं यहां पे। अच्छा, अब ये देखिए, जब के एम एन ओ फोर हमने लिखा तो इसका आयनिक इक्वेशन भी हम लिख देते हैं यहां पे, आयनिक इक्वेशन टू बाय थ्री मोल एंड ये एम एन ओ फोर माइनस था एंड वन बाय थ्री मोल एम एन ओ टू, ये मिट गया है, इसको आप फिर से नोट कर लीजिए। अब यहां पे जो स्पेक्ट्रेटर आयन है उसको हम क्या लिखेंगे, एम एन ओ फोर माइनस प्लस टू बाय थ्री, और ये कितना हो जाएगा, ये टोटल फोर बाय थ्री एच प्लस हो जाएगा। अब बाकी सब चीजें छोड़ दें यदि, और सिर्फ हमें जो है एम एन से रिलेटेड चीजें लिखनी है तो उसको देखते हैं हम लोग क्या होता है, बाकी सबको छोड़ देते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि टू बाय थ्री एम एन ओ फोर माइनस है और यहां पे वन बाय थ्री एम एन ओ टू, बाकी चीजों को जरूरत नहीं है। तो ये वन मोल ऑफ एम एन ओ फोर ने टू बाय थ्री मोल ऑफ एम एन ओ फोर माइनस दिया और साथ में वन बाय थ्री मोल ऑफ एम एन ओ टू, तो आपका आंसर हो गया ए। नोट कीजिए इसको।